नमस्कार, मैं रवि शुक्ला, केआरसी टाइम के हिंदी प्राइम टाइम में आपका स्वागत है। पूरे देश में एनआरसी के लिए कोई नियोजन केंद्र नहीं है, गृह राज्य मंत्री ने कहा। प्रधानमंत्री को केजरीवाल का पत्र, दिल्ली बजट गतिरोध दूर। खालिस्तानी हमलों की चेतावनी, ब्रिटेन में भारतीय उच्चायोग में कड़ी सुरक्षा। केंद्र की पूरे देश में एनआरसी लागू करने की योजना नहीं है, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने संसद में यह बात कही। राज्यसभा सांसद के सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि केंद्र ने अभी तक ऐसी कोई योजना नहीं ली है। उन्होंने कहा कि फिलहाल पूरे देश में एनआरसी लागू करने की कोई संभावना नहीं है। इस संसद में एनआरसी पेश किए जाने की संभावना को ध्यान में रखते हुए सवाल पूछा गया था। गृहमंत्री अमित शाह ने एनआरसी शुरू करने की घोषणा की, लेकिन गृह राज्य मंत्री के जवाब से साफ हो गया कि एनआरसी लागू नहीं किया जा रहा है। आखिरकार पेश हो गया दिल्ली का बजट। गृह मंत्रालय की आपत्ति के चलते बजट पेश नहीं हो सका था। इसको लेकर पेचीदगियां पैदा हो गई थी। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर कहा, आप दिल्ली की जनता से इतने नाराज क्यों हैं? कृपया बजट को पास होने दें। आज़ादी के 75 साल के इतिहास में इस तरह की घटना नहीं हुई थी। इस पत्र के मिलने के बाद प्रधानमंत्री कार्यालय से सहमति बनी, फिर यह बजट आज पेश किया गया। हिंदू नववर्ष पर आज संसद स्थगित है, आज अवकाश घोषित है। हसन ने इसे लेकर समाजवादी पार्टी की संसद में सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि यह लंबे समय से बंद नहीं था, अचानक यह बंद क्यों हो गया? उन्होंने टिप्पणी की कि यह प्रतिबंध कुछ समुदायों को खुश करने के लिए घोषित किया गया है। समाजवादी पार्टी की संसद की इस टिप्पणी पर विवाद खड़ा हो गया है। पुलिस भारत में खालिस्तानी सरगना अमृतपाल सिंह की तलाश कर रही है। अमृतपाल अभी भी पुलिस की आंखों में धूल झोंक कर फरार है। उधर लंदन में उनकी निशानदेही देखी गई है। ब्रिटेन में खालिस्तान समर्थक प्रदर्शनकारियों ने भारतीय उच्चायोग के अंदर झंडा नीचे किया। भारत ने इस घटना का विरोध किया। दूतावास की सुरक्षा पर भी सवाल उठाया गया। शादी करते समय उम्र कोई सीमा नहीं है, अगर पैसा है तो शादी को तैयार 92 साल के मीडिया वैरन रूपर्ट मर्डोक शादी के बंधन में बंधने जा रहे हैं। अभिनेत्री मॉडल हैरी जेरी से शादी टूटने के बाद वह दोबारा शादी कर रहे हैं। उनकी वर्तमान पत्नी की उम्र 66 वर्ष है, नाम नैशली स्मिथेक है। इस समय पूरी दुनिया में इस शादी की चर्चा है। देश भर में फिर से कोविड बढ़ रहा है। पिछले 24 घंटे में 1134 संक्रमित मिले। इस तरह प्रतिदिन हजारों की संख्या में सुधार के साथ कोविड पॉजिटिव बढ़ रहे हैं। इस पर स्वास्थ्य विभाग ने बयान जारी किया है। संक्रमण दक्षिण राज्यों में अधिक है। महात्मा गांधी की पुत्री उषा गोकानी का निधन। उनका आज मुंबई में निधन हो गया। वह 89 वर्ष के थे। वे महात्मा गांधी के साथ भारत छोड़ो आंदोलन में शामिल हुई थी। आज के प्राइम टाइम में बस इतना ही। फिर होगी मुलाकात। जुड़े रहिए केआरसी टाइम्स के साथ। नमस्कार।